नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाई रणु सर पर। आज अपने बात करने वाले हैं W 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करेंगे। इस पेपर को अपने तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर अपने क्या है, 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति है वो किसे अंकित करती है, यानी कि नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो आपको पता है नीली क्रांति की अगर बात करें तो किससे है, मत्स्य से या मछली पालन से या फिशरीज से है, वो कौन सी क्रांति है, तो नीली क्रांति है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी भारत में शुष्क खेती है वो की जोत क्या है, यानी कि एरिया अंडर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर है वो कितना एरिया आता है, तो उसकी अगर बात करें तो आपको पता है इसके अंदर अगर एरिया की अपने बात करें तो कितना एरिया आता है, 60% आता है, यानी कि 60% एरिया है वो किसके अंदर आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है। तो पहली मानव निर्मित अगर फसल की बात करें तो वो आपको पता है कौन सी है, ट्रिटिकल, यानी कि पहली मानव निर्मित फसल है वो कौन सी है, ट्रिटिकल, यानी कि 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ट्रिटिकल की अगर बात करें तो ट्रिटिकल है वो क्या है, गेहूं और राई के क्रॉस से विकसित की गई है। किसके क्रॉस से विकसित की गई, गेहूं और राई के क्रॉस से विकसित की गई है। और ट्रिटिकल का जो बोटनिकल नेम होता है, तो बोटनिकल नेम भी आपको ध्यान में रखना है, इसका बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड होता है, यानी कि ट्रिटिकल का बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड होता है। ट्रिटिकल में गुणसूत्रों की संख्या की बात करूँ तो गुणसूत्र संख्या है वो इसमें कितने होते हैं, 56 होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 56 होती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, बीटी जीन के कपास के पौधे में स्थानांतर से उत्पन्न कपास को कहते हैं, यानी कि बीटी का जीन जिस कपास के पौधे में प्रवेश करवा दिया जाता है उस कपास के पौधे को क्या कहा जाता है। तो अगर बात करें तो उस कपास के पौधे को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक कपास कहा जाता है, यानी कि ट्रांसजेनिक कॉटन कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2011 के एग्जाम की बात कर रहे हैं, W यानी कि सहायक कृषि अधिकारी के। तो यहाँ पर अगर बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, पीत क्रांति का संबंध किससे, तो पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से आपको पता है कि कौन सी क्रांति है, सफ़ेद क्रांति है। दलहन से भी इसका कोई संबंध नहीं है, फसलों से भी कोई संबंध नहीं है, ये किससे है, तिलहन उत्पादन से। तो यानी कि पीली क्रांति या पीत क्रांति है वो कौन से किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में, भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कौन सा है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी है वो कौन सी की है, जिंक की कमी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिंक की कमी है, और अगर वृहद पोषक तत्वों की बात करें तो किसकी कमी है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है भारत में, यानी कि वृहद पोषक तत्वों की बात करें तो मृदा के अंदर क्या, नाइट्रोजन की सबसे अधिक कमी है, और अगर द्वितीय पोषक तत्वों की बात करें तो सल्फर की है वो क्या, सबसे ज़्यादा कमी है। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है, जिंक की है। वृहद पोषक तत्वों के अंदर या प्राथमिक पोषक तत्वों के अंदर सबसे ज़्यादा कमी है वो किसकी है, नाइट्रोजन की है, और अगर द्वितीयक पोषक तत्वों की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा कमी है वो किसकी है, सल्फर की है। तो ये आपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन अभी सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछा गया था, स्ट्राइका का संबंध किस फसल से है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, गेहूँ गेहूँ से भी नहीं है, दलहन से भी नहीं है, आम से भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किससे होगा, ज्वार से। इसका संबंध क्या है, स्ट्राइका का संबंध है वो किससे है, बाजरा और ज्वार दोनों से ही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मानक, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये बोर्ड के द्वारा क्या है, डिलीट कर दिया गया था, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन है यानी कि कृषि जिनसों के समर्थन मूल्य, यानी कि समर्थन मूल्य है उनकी घोषणा कौन करता है। तो समर्थन मूल्य की घोषणा है वो किसके द्वारा की जाती है, कृषि मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भूमि उपयोग एवं शस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है,
नहीं की बात करें तो अपने अगर वर्गीकरण भूमि उपयोग के वर्गीकरण के आधार पर और सस्य क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार पर क्या है, विशिष्ट कृषि के रूप में भी अपने क्या है इसको डिवाइड किया जाता है, उसके अलावा मिश्रित कृषि के रूप में भी डिवाइड किया जाता है और विविध कृषि के रूप में भी डिवाइड किया जाता है, परंतु यानी कि अधिभोक्ता कृषि के रूप में डिवाइड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो एकल संकरण में पर परागण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहा जाता है, जब दो एकल संकरण में पर परागण कराया जाता है तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहा जाता है, तो उत्पन्न होने वाले संकर को क्या कहा जाता है, द्वि संकरण कहा जाता है या डबल क्रॉस के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर की बात करें, संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न फसलों में किया गया था, यानी कि इनमें से कौन सी फसल है जिसमें जिसके अंदर क्या है जो हाइब्रिड किस्में हैं वो सबसे पहले डेवलप की गई। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बाजरा की बात करूँ तो बाजरा की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है वो कब आई थी, 1965 के अंदर आई थी, ठीक है, 1965 में। ज्वार की अगर मैं बात करूँ तो ज्वार की है जो पहली किस्म आई थी वो 1964 के अंदर आई थी। कपास की है वो 1970 में आई थी पहली हाइब्रिड किस्म, और मक्का की है वो कब आई थी, 1961 में आई थी। तो यहाँ पर उत्तर इसका क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, यानी कि इसकी क्या है सबसे पहले मक्का की 1961 में, बाजरा की 1965 के अंदर, ज्वार की पहली संकर की समय वो 1964 में, और कपास की है वो पहली की समय आई थी 1970 में। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी एओ के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें इनका क्या कर्म पूछा गया था, कर्म ध्यान रखना है, अगर कर्म के आधार पर इनको रखेंगे तो पहले पर क्या आ जाएगा, मक्का आ जाएगा 1961, उसके बाद ज्वार आ जाएगा 1964, उसके बाद बाजरा आ जाएगा 1965, उसके बाद में कपास आ जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के उस भाग को जिसे इन विट्रो कल्चर किया जाता है को कहते हैं, यानी कि जिसका इन विट्रो कल्चर किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसे एक्सप्लांट के नाम से या एक्स पादप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को कहा जाता है, तो जो है ब्रीडर होता है उसके द्वारा जो यानी कि पहला बीज जो वैरायटी डेवलप की जाती है उसे किस उस बीज को किस नाम से जाना जाता है, नाभिकीय बीज कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्रमाणित बीज है उसका उत्पादन है वो किससे किया जाता है, तो प्रमाणित बीज का उत्पादन है वो आधार बीज से किया जाता है, यानी फाउंडेशन सीड से प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे अपने चर्चा करते हैं। स्वपरागण से उत्पन्न संतान को कहा जाता है, यानी स्वपरागण से उत्पन्न संतान होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे समयुग्मज या हेमोजाइगस के नाम से, हेमोजाइगस के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कौन सा, संकर ओच शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, सल ने किया था, ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले सल नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के फल है उसे क्या है, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है या अनिषेकता फलन के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर डीएनए में उपस्थित शर्करा को कहा जाता है, तो डीएनए पहला ऑप्शन है राइबोज, राइबोज है तो वो तो क्या है, आरएनए के अंदर होती है, आरएनए के अंदर उपस्थित शर्करा होती है उसे राइबोज के नाम से जाना जाता है, और डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए के अंदर उपस्थित शर्करा होती है उसे डीऑक्सीराइबोज के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए के अंदर उपस्थित शर्करा, हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे, यानी कि एक से अधिक, यानी कि एक जीन है वो अधिक गुणों को प्रभावित कर रहा है तो बहु हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुप्रभाविता हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन पर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी को आता होगा, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन, गंगा 5 संकर किस्म निम्न में से किस फसल की है, तो गंगा 5 है, गंगा जितनी भी गंगा वाली किस्में हैं लगभग सारी किसकी है, मक्का की किस्में हैं, तो ये किसकी है, मक्का की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक जीन से प्रभावित गुण को कहते हैं, यानी कि जो एक जीन से प्रभावित गुण होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, एकल जीन हो जाएगा, यानी कि मोनोजेनिक हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एकल जीन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन की, लही चावल की औक्षीकृत परत की मोटाई होती है,
तो इसकी अगर मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है, ऊपर से 1 से 10 mm तक होती है, ठीक है। लेहिल चल के जो ऑक्सी परत होती है उसकी मोटाई की अगर बात करें तो मोटाई होती है वो क्या है, ऊपर से 1 से 10 mm तक होती है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते रहे अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, डेपोक विधि से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, 1 हेक्टर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो डेपोक विधि के अंदर अपने को पता है कितनी होती है, 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। वैसे सामान्यतः अपने लिखते हैं यानी कि 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और डेपोक विधि के अंदर नर्सरी होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 11 से 13 दिन के अंदर क्या है इस विधि के द्वारा नर्सरी तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर चावल की बीज दर है, संकर चावल की हाइब्रिड की अगर बात करें तो 15 किलोग्राम रखी जाती है। संकर चावल की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि कौन सी है। तो गन्ने की बुआई करने की सामान्य व सरल विधि की अगर बात करें तो सामान्य व सरल विधि है वो कौन सी है, समतल क्यारी में बुआई करना, यानी कि प्लांटिंग इन फ्लैट ब्लेड्स, फ्लैट बेड्स के अंदर जो समतल क्यारी में बुआई करना है सबसे बेस्ट विधि है, गन्ने के अंदर मुख्य रूप से काम में ली जाती है। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा की अगर बात करें, मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो कौन सी होती है, ब्लूई दोमट मृदा होती है, यानी कि उपयुक्त मृदा है वो कौन सी होती है, सैंडी लोम यानी कि ब्लूई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई रखी जाती है। तो सामान्यतः बोनी किस्मों की गहराई वो कितनी रखी जाती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार का क्वेश्चन अब की बार जेट के अंदर पूछा गया था, उन्होंने पूछा था कि गेहूं के अंदर जो कोलियोप्टाइल होता है उसकी मोटाई होती है यानी कि वो कितनी होती है, तो वो क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बोनी किस्मों की बुआई वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक करते हैं। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है। तो भारत की अगर मुख्य तिलहनी फसल की बात करें तो वो मूंगफली है, भारत की मुख्य तिलहनी फसल है वो मूंगफली है, और राजस्थान की अगर तिलहनी फसलों की बात करें तो वो सरसों हो जाएगी, परंतु यहाँ पर भारत की मुख्य तिलहनी फसल पूछिए तो वो कौन सी है, मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सभी को आता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। तो 2,4-D है, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है तो वो कौन सा है, 2,4-D है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या है 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है W के अंदर हमने 30 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर ली है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। जय हिंद, जय।